जो परंपरा है आपके केवल गुजरात में मुझे देखने को नहीं मिली। मैं जब बिहार में राज्यपाल था तो वहाँ पर भी कुलाधिपति के नाते कई विश्वविद्यालय थे, करीब 15-16 विश्वविद्यालय, उनमें जाने का अवसर मिलता था। मैंने देखा था यही एक ट्रेंड चला और बहुत अच्छा लग रहा। दिस रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर इंडिया कि आगे क्या होने वाला। और सही मायने में कभी कभी ये कहा जाता है कि किसी देश या समाज में हमारी बेटियों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, वो उसका पैरामीटर होता है, वो उसका मापदंड होता है। मैं इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय की भी विशेष सराहना करता हूँ। मैं सभी विश्वविद्यार्थियों को एक बार फिर बधाई देता हूँ जिन छात्र छात्राओं ने निरंतर परिश्रम करके पदक हासिल किए हैं, वो विशेष सराहना के पात्र हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जब मैं प्रातः आज दिल्ली से चला था तो एक दुखद समाचार भी मिला, और वो दिल्ली का दुखद समाचार कल का था, लेकिन आज का समाचार मिला कि बड़ोदरा में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, उसमें आग लगने के कारण हमारे 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस पर मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं आप सबको राष्ट्रपति भवन में आने और उसे देखने का निमंत्रण भी देता हूँ। हमारे लोकतंत्र का प्रतीक राष्ट्रपति भवन है, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन आप सबका है, हर भारतीय का है। राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।